नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी, जो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज 16 नवंबर 2019, जो आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों आपके लिए मैं इंडिया जीके, राजस्थान जीके, जनरल साइंस और RRB NTPC के लिए मॉडल पेपर भी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एकेडमिया इन डिफेंस के साथ कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? हाल ही में एकेडमिया इन डिफेंस के साथ कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है DRDO और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि DRDO। तो DRDO ने एकेडेमिया इन डिफेंस के साथ कार्यशाला का आयोजन किया है। अब यहाँ पे टर्म आया DRDO, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी है। और DRDO का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और एकेडमिया इन डिफेंस के साथ कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस से 2020 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? हाल ही में गणतंत्र दिवस 2020 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस 2020 पर हमारे क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो ने हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। कौन होंगे? जेयर बोल्सनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? हाल ही में विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? ए ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अजरबैजान और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अजरबैजान। तो विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन अजरबैजान में होगा। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में यह विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अब यहाँ पे टर्म आया है अजरबैजान, तो अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू है। अजरबैजान की करेंसी क्या है? अजरबैजानी मानत है। और अजरबैजान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? इलहाम अलीयेव। कौन है? इलहाम अलीयेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है पंजाब। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पंजाब। तो विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन पंजाब में किया जाएगा और यह 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा विश्व कबड्डी कप, और इसका आयोजन अब की बार पंजाब में होगा। तो यहाँ पर टर्म आया है पंजाब। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशिष्ट नारायण सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में विशिष्ट नारायण सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है गणितज्ञ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि गणितज्ञ थे। तो विशिष्ट नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे गणितज्ञ थे। इन्होंने आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को चैलेंज किया था, इसी ही वजह से यह बहुत चर्चा में रहे हैं। एक्चुअल में यह IIT कानपुर में भी प्रोफेसर रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ABLF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ABLF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है कमल वर्धन राव, बी ऑप्शन है डॉक्टर साइरस पुनावाल, सी ऑप्शन है प्रतिमा जोशी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर साइरस पूनावाला। तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को ABLF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको इस बार का ABLF के 12वें संस्करण में ABLF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे ABLF आया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम। क्या होती है? एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच पहला ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो इस युद्धाभ्यास का नाम है टाइगर ट्राइम युद्धाभ्यास। क्या है? टाइगर ट्राइम युद्धाभ्यास। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है, कहाँ हुई है इसकी शुरुआत? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम आया है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए ऑप्शन है 6.1%, बी ऑप्शन है 5.6%, सी ऑप्शन है 4.2% और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 5.6%। तो मुंडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.6 रहने का अनुमान लगाया है। तो मुंडीज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। मुंडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और मुंडीज के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि बांग्लादेश। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस रिश्वतखोरी के मामले में बांग्लादेश शीर्ष स्थान पर है। कौन है? बांग्लादेश। तो जो एशियन कंट्री है उनमें भूटान देश सबसे नीचे है। कौन रहा है? भूटान देश, यानी कि भूटान में सबसे कम बिजनेस रिश्वतखोरी है। अब यहाँ पे नाम आया है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टक्का है। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद है। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? हाल ही में नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो नीलम साहनी आंध्र प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। एक्चुअल में यह 1984 बैच की आईएएस अधिकारी है और आंध्र प्रदेश कैडर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है रवि प्रकाश, बी ऑप्शन है सुशील मित्तल, सी ऑप्शन है अमित पिंगाल और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बॉक्सर अमित पिंगाल। तो अमित पंगाल को हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक मुक्केबाज है और इन्हीं को हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? वो भी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना का शुभारंभ किया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन,
यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना का शुभारंभ किया है। तो नाडू नेडू योजना है क्या? इसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उनमें कक्षा 1 से कक्षा 6 तक अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे नाम आया आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और आंध्र प्रदेश से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल का सवाल है, हाल ही में प्रविंद जगनाथ ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में प्रविंद जगनाथ ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए ऑप्शन है मॉरिशस, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है नीदरलैंड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मॉरिशस। तो प्रविंद जगनाथ मॉरिशस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और आज का सवाल है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, जिससे कि दोस्तों आपका साथ साथ में रिवीजन भी चलता रहे। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्हीं वीडियो में से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों किसी भी इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं इंडिया जीके, राजस्थान जीके, जनरल साइंस और RRB NTPC के लिए मॉडल पेपर भी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।